बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ठंडी ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। मौसम बदल चुका है, जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी अब वो गर्मी थोड़ी सी कम हुई है। तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है, वैसे आपको अपना मूड भी चेंज करना पड़ेगा। और आज इसी मूड से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, यानी कि जो अच्छी बात है वो ये है कि जिस तरह मौसम बदल रहा है, आप अपने ज़रा मिजाज को, अंदाज़ को बदलें। माना हालात थोड़े से मुश्किल हैं, टफ़ हैं, लेकिन ये गुस्सा करने से, टेंशन लेने से, स्ट्रेस में जो है वो जाने से बिल्कुल आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म नहीं होगा। तो आपने आज से गुस्सा नहीं करना, आपने इस गुस्से को कंट्रोल करना है। आज भी दो टॉपिक होंगे जिस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वार्डरोब के बारे में बताते हैं जनाब। आज का इतना खूबसूरत डिसेंट समय कहूँगी वार्डरोब है मानिस कलेक्शन का। सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच करके इस तरह के खूबसूरत वार्डरोब जो है वो आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं और अपने इवेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की जानिब आते हैं। टॉपिक हमारा है जो आज के दोनों होंगे, वो मैं कह सकती हूँ कि स्पेशली अगर मैं ख्वातीन की बात करूँ या मर्दाजात की भी बात कर लेते हैं, उनके लिए भी बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। पहला टॉपिक होगा ड्रेसिस पे हम बात करने वाले हैं। जब हम देखते हैं आजकल, अगर देखें तो सोशल मीडिया का दौर है। एक दफ़ा हमने अगर कोई ड्रेस पहन लिया, एक दफ़ा कोई नया ट्रेंड आया, उसे कैरी कर लिया, तो दोबारा हम नहीं पहनते। वजह क्या होती है? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे उसे अपलोड कर चुके होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे भी मसला आएगा, कितने ड्रेसेस आप परचेज़ करेंगे, कितने ट्रेंड्स को आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे अब जिम्मेदारी आ जाती है जो हमारे फैशन डिज़ाइनर हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, कि वो कितनी तेज़ी से नया डिज़ाइन जो है वो मुतारिफ़ करवाते हैं, ताकि वो लोग जो एक दफ़ा ड्रेस पहनने के बाद दोबारा नहीं वेयर करना पसंद करते, क्योंकि सोशल मीडिया की वो जीनत बन चुका होता है, तो उनके लिए उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आज हम जो पहला टॉपिक होगा वो ये बात करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे मौसम चेंज हो रहा है। जब मौसम बदलता है तो डेफिनेटली कलर्स की सिलेक्शन चेंज होती है, स्टफ़ चेंज होता है, डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज होता है। तो अब उसमें हमारे जो फैशन डिज़ाइनर हैं वो क्या महारत दिखा रहे हैं, किस तरह से तेज़ी से, इसलिए जो तेज़ी से दौर रहा, चीज़ फौरन सेकेंड्स में चेंज हो रही है, उसमें वो कितने स्पीड से काम कर रहे हैं, क्या महारत दिखा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। बच्चों की भी बात करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी खूबसूरत लगने का हक है, नए नए कपड़े पहनने का हक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, देखिए आपने खूबसूरत सा ड्रेस तो जेब तन किया हुआ है, लेकिन अगर आप साथ खूबसूरत नहीं लग रहे, यानी कि अच्छा मेकओवर नहीं किया हुआ, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, तो उस ड्रेस का कोई फ़ायदा नहीं होता। और हमें लगता है कि बस हमने जो ड्रेस कैरी कर लिया है, इसी में हम खूबसूरत लगने हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। आपके साथ जो फेस ब्यूटी है वो निखरना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दूसरा टॉपिक होगा हमारा मेकअप के हवाले से, कि आजकल जिस तरह हम देखते हैं लोगों में ना अवेयरनेस काफ़ी हद तक, हम जहाँ कहते हैं ना, हो चुकी है, वही थोड़ी सी कमी भी है। क्योंकि हम लाल पीले कलर जो है वो अपने स्किन, अपने वो आई मेकअप स्पेशली मैं बात करूँ तो वो हम करवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल डिसेंट नहीं लगता है। तो ये इस पर बात करेंगे कि अवेयरनेस का होना कितना ज़रूरी है। और जब मौसम बदलता है, जैसे मैंने कहा कि ड्रेसेस जो है वो चेंज होते हैं, तो जब आपका ड्रेस चेंज होगा, जब आप उसका ट्रेंड चेंज होगा, तो साथ मेकअप का ट्रेंड भी चेंज होता है। मौसम के अकॉर्डिंग मेकअप की जो मेकअप में तब्दीली है वो भी आती है। तो उसी चीज़ को जब देखें कि आपका मेकओवर चेंज हो रहा है, आपका जो सीज़न वेदर है वो चेंज हो रहा है, तो स्किन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट भी होती है। हमारी डाइट जो है वो खासी, उसमें भी रद्दोबदल जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी इशू आता है कि हम अपनी केयर नहीं कर पाते, या बहुत ज़्यादा मेकअप हमने कैरी किया हुआ होता है, स्किन की उस तरह से प्रॉपर हम केयर नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें भी ये जानना शुद्ध ज़रूरी है, स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके बारे में, कि वो जो सुबह से शाम तक मेकअप कैरी किए हुए हैं, वो अपनी स्किन का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। और वर्किंग लेडीज़ को, क्योंकि रूटीन का काम है, रूटीन में जो है उन्होंने मेकओवर कैरी करना है, तो कैसा मेकअप जो है वो कर सकती हैं। जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं उनके लिए मेकओवर कैसा होना चाहिए, ड्रेस तो बड़ा अच्छा पहने लेकिन मेकअप का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो जनाब आज के दोनों टॉपिक्स बहुत ही अहम हैं, ड्रेसेस के हवाले से और मेकओवर के हवाले से, क्योंकि ये पूरी आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी पे आज हम बात करने वाले हैं, सेल्फ ग्रूमिंग पे बात करने वाले हैं। तो बहुत कुछ हम जानेंगे, ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे, सो आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग पे बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जनाब जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि ऐसा वक्त है, टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का दौर है। एक दफ़ा ड्रेस पहन लेते हैं सोशल मीडिया की जीनत बन के, तो दोबारा उसे हम कैरी करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस बढ़ते हुए तेज़ दौर के अंदर ये ड्रेस डिज़ाइनिंग कितना जो है, ये इसको कितना बूस्ट मिल रहा है, और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ इसका क्या रुझान है, लोग इसको ये फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ, ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ कितना जो है वो आ रहे हैं, कितना पसंद करते हैं इस फील्ड को, और किस तरह इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, इसी पर हम बात करेंगे। इस पर गाइड करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। हमारे पहले मौजूद मेहमान जो हमारे साथ हैं, आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, दानियाल चौधरी। अस्सलाम वालेकुम दानियाल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू आपने ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं आपको। उनके साथ नाजरीन अगले हमारे जो मौजूद मेहमान तशरीफ फरमा है, आप भी फैशन डिज़ाइनर हैं जी, शफकत हुसैन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, वक्त भी आपको भी वेलकम करते हैं। दानियाल साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताएँ कि ये आप इस फील्ड में आए कैसे? बेसिकली हम दोनों जो हैं वो फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। मैं इसीलिए ये सवाल किया कि जो इनकी फील्ड है वो कुछ और है, और एकदम से शिफ्ट कैसे हो गए? जी जी, इसी तरह है जिस तरह आपने बात की कि फैशन डिज़ाइनिंग जो है आजकल बहुत तेज़ी से फील्ड, इमर्जिंग फील्ड है, और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो न्यू ट्रेंड्स भी काफ़ी इन हो रहे हैं। और मैं और शफकत जो है, हम लोग न्यू ट्रेंड्स को भी देखते रहते थे, इसके साथ डिफरेंट डिज़ाइन को भी देखते थे, तो हमने ये देखा कि हमारे माइंड में जो इमेजिनेशन है या जो थीम्स हैं या मोटिव्स चल रहे हैं, तो उनको हम कैसे किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस हवाले से फिर हमने उनको डिफरेंट ड्रेस पे इम्प्लीमेंट किया और डिफरेंट डिज़ाइन हमने डिज़ाइन किए। शुक्र सब, आप कैसे आ गए, जैसे उन्होंने कहा कि आप दोनों फार्मासिस्ट हैं और साथ ही डिज़ाइनिंग की तरफ एकदम से शिफ्ट होना, ये खासा मुश्किल नहीं था? मुश्किल नहीं है, बेसिकली जो डिज़ाइनर या आर्टिस्ट होता है ना, वो बंदे के अंदर होता है। तो मेरे बचपन से ही स्केचिंग, ड्राइंग और इस टाइप की चीज़ें जो है वो लेके चला। कलर्स के साथ खेलना आपको बड़ा पसंद? बिल्कुल, मैं वेब डेवलपर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ इसके साथ, उस वजह से मुझे इन चीज़ों की जो है ना वो चीज़ें सीखने से भी ज़्यादा अंदर से इननेट चीज़ें हैं। तो वही हमने अपने आइडियाज़ को, जब हमने एवोल्यूशन देखी कि ब्रांड में और फैशन में एवोल्यूशन आ रही है, तो उसी एवोल्यूशन को हमने अपने आप को भी इवॉल्व किया कि हम बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं मेडिसिन का, तो अब हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो हमारे लिए वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उस बेस के लिए बेसिकली इनोवेशन लेके आनी होती है, हमारे लिए एक इनोवेटिव आइडिया था। सही, एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इन अपने दोनों मौजूद मेहमानों की, कि आप एक फील्ड में नहीं है, मल्टीपल फील्ड्स में ख़ुद को इन्वॉल्व रखना ज़रूरी है। और जब हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, और इस वक्त तो ये जो फील्ड है ये माशाल्लाह से बूस्ट कर रही है। दानियाल, मुझे ये बताएं, इस वक्त मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज जैसे ही होता है तो उसमें किस तरह के कलर्स और डिज़ाइन आप मुतारिफ़ करवाते हैं? इसमें ये है कि जिस तरह पहले आपको पता है कि समर सीज़न चल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ब्राइट कलर्स को प्रेफर किया जाता है, और थोड़े से पैसल्स कलर जिनको आप कहते हैं, अच्छा। और इसके साथ फ्लोरल पैटर्न जो है उसको थोड़ा सा फॉलो किया जाता है, और प्रिंटेड डिज़ाइंस पे हम लोग ज़्यादा जाते हैं समर में एज़ कम्पेयर टू विंटर। अब जिस तरह विंटर आ रहा है, तो इसमें मोस्टली सबसे पहले तो ये है कि स्टफ़ चेंज होता है, स्टफ़ आपका जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, और समर में जो है वो लॉन और कॉटन पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो विंटर में विंटर कॉटन आ जाता है, खदर आ जाता है, इसके अलावा कुछ वेलवेट के डिज़ाइन आ जाते हैं, और इसमें एम्ब्रॉयडरी भी जो है हम इजीली ड्रेस पे करवा सकते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू समर जब आप एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे तो विंटर में थोड़ा सा वो थिक हो जाता है आपका स्टफ़, और एम्ब्रॉयडरी करवा के तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल होता है और लाइक किया जाता है। अच्छा, आजकल मौसम ऐसा है पता नहीं चलता, सडन सर्दी हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है, तो इसमें किस तरह के जो ना अभी तक कलेक्शन जो है वो बिल्कुल इसी तरह, ये हमें भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि पिंडी इस्लामाबाद का मौसम के, मौसम भी पता है वो कभी बारिश हो जाती है, अचानक से सर्दी हो जाती है, और कभी जो है वो एकदम से गर्मी। तो इसमें हम जो है नॉर्मली लीलन टाइप स्टफ में जाते हैं, जो कि दोनों सीजन में चल जाता है, तो इसमें ये होता है कि ऐसा स्टफ हो जो दोनों सीजन में चल सके। कलर्स जो है उनमें किस तरह से आप कॉम्बिनेशन जो है वो इस मौसम में देख रहे हैं? इस मौसम में बेसिकली ये मौसम जो है अभी चेंज हो रहा है, ट्रांजिशनल फेज़ है अभी दोनों सीजन्स की, ठीक है। तो इसमें आपने कलर्स भी ऐसे ही मोस्टली चूज़ करने हैं कि जो इन बिटवीन हो, बहुत ज़्यादा ना वाइब्रेंट हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ठीक है। जब एक सीज़न अपने पीक पे आए तो उसके कलर्स, वो कलर्स के हिसाब से कलर्स भी जो है आप सैचुरेशन कलर्स की सैचुरेशन पर जाते हैं। अभी जो सीज़न चल रहा है, अभी मिड सीज़न है, तो इसको
इसमें मोस्टली हम मिड टोन्स यूज़ करते हैं पेस्टल कलर्स की, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कलर्स भी ना हो तो आप इवेंट बेस पे देख लें। और मोस्टली इस मौसम में ये होता है कि जो शाम के टाइम पे या इस कुछ और फैंसी ड्रेसेस अगर देख लें उनमें भी आप वाइब्रेंट कलर्स नहीं यूज़ कर रहे होते, क्योंकि ये आँखों पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्ट डालते होते हैं। ठीक है, तो जैसे मौसम खुशगवार है वैसे आपने कलर्स भी बिल्कुल ऐसे मौसम के मुताबिक कलर को होना दानियल बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे उनको बिल्कुल कलर सेंस नहीं होती है इसी तरह। तो ये इस टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में भी अगर उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि उन पर क्या अच्छा लग रहा है या मौसम जो है वो किस कलर की डिमांड कर रहा है, ये अगर अभी भी हमें नहीं पता तो ये कौन बताएगा। ये लाजमी बात है, ये जिन लोगों को आइडिया नहीं है या जो थोड़ा सा कह लें बैकवर्ड एरियाज के भी लोग हैं उनको बताना, ये फैशन डिजाइनर्स का काम है। और जैसा कि आप मॉर्निंग शोज में ले हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं फैशन डिजाइनर्स को, और आपका शो डिफरेंट एरियाज में पूरे पाकिस्तान में कोने कोने में या डिफरेंट कंट्रीज में भी देखा जाता है। तो इसमें इन लोगों का काम है फैशन डिजाइनर्स का कि जो अच्छे फैशन डिजाइनर्स हैं वो लोगों को गाइड करें कि मौसम के मुताबिक आपने कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा डिजाइन आप पे सूट करेगा, समर है तो कौन से कलर सूट करेंगे, विंटर है तो कौन से कलर, या मिड सीजन है तो कौन से कलर्स। और इवन अगर देखा जाए तो मॉर्निंग और इवनिंग में भी अगर आपने कोई फंक्शन अटेंड करना है और वो नाइट का है तो अभी आजकल अगर आप सीजन को देखें तो दिन में जैसे कहा कि गर्मी हो जाती है तो आपको दिन में किसी और कलर यानी कि लाइट सा सॉफ्ट सा कलर हो, और अगर शाम का रात का इवेंट है तो यकीनन आपको थोड़ा डार्क कलर में जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह। तो ये अवेयरनेस यकीनन ज़रूरी है, लेकिन हम कुछ डिज़ाइनर्स को भी देखते हैं जो नहीं गाइड करते, बस वही अपना स्टफ़ बेचने के चक्रों में होते हैं और बस एक नाम बनाने में या उसको मज़ीद मार्केट करने के चक्रों में होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, एक इंसान उस पर क्या अच्छा लग सकता है मौसम के अकॉर्डिंग। ये कुछ डिज़ाइनर्स पर तो ये जिम्मेदारी आती है जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी लैक कर रही है। डेफिनेटली डिज़ाइनर्स पर आती है। बेसिकली होता ये है कि हम भी जो डिज़ाइनर्स हायर करते हैं उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है या किसी भी ब्रांड का कि हमने बिजनेस कैसे जनरेट करना है। लेकिन सबसे पहले अब जो हमारा ब्रांड है रुसारी ब्रांड, हमारा आइडिया या हमारा थीम ही यही है कि लोगों को हम पहले एजुकेट करें, उनको डिज़ाइंस के बारे में बताएं, उनको फ्लोरल पैटर्न कलर्स उन पर क्या अच्छा लगेगा, क्या सूट करेगा, जिसको आप कहते हैं टेलर मेड प्रोडक्ट। तो हम बेसिकली इसी तरफ जा रहे हैं कि हम एक टेलर मेड प्रोडक्ट दें, और जो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती है, और उस जो पहन रहा है बंदा या जो उसको वियर कर रहा है उस पर एग्जैक्टली सूट करे। तो ये हमारे डिज़ाइनर्स का ही काम है कि हम जो है कस्टमर को या एंड यूज़र को या जो वियर करने वाला ड्रेस उसको हम गाइड करें। बिल्कुल, और ये बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी डिज़ाइनर्स भी आती है। शफकत मुझे ये बताएं कि ख़वातीन की तो हम बात करें, मर्द हज़रात के हवाले से हम बात न करें तो ये ज़्यादती होगी, मर्दों के लिए इस वक्त जो है वो किस तरह से जो है वो उनके कलर्स वगैरह इन है इस वक्त? मोस्टली जो मेल्स के ड्रेसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स ओवरऑल जनरली यूज़ भी नहीं होते। अच्छा, उसमें अगर कोई किसी अपने बंदे का टेस्ट है, अपनी पर्सनल चॉइस है, स्टाइल में नहीं आता, बस चॉइस में उसकी आ जाता है कि वो कलर शोके कलर यूज कर ले। तो सॉफ्ट कलर्स, ग्रे टोन्स, मिड टोन्स वाले कलर्स, मर्दों के तो गिने चुने चंद कलर्स हैं जो बेचारे ग्रे में आ जाते हैं, मोस्टली शेड्स में आ जाती है। ठीक है, तो और उसके साथ साथ जो मेल ड्रेस होता है वो स्टिचिंग पे बहुत ज्यादा, फीमेल्स में तो आप एम्ब्रॉयडरी और बाकी चीजें भी स्टफ कर सकते हैं, एम्बेलिशमेंट कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेल्स की स्टिचिंग जो है ना वो अगर उसकी वही तो नजर आ रही होती है। एग्जैक्टली वही चीज मेन होता नहीं, क्योंकि कलर्स मोस्टली आप मल्टी कलर टेक्निकलर ड्रेसेस भी मेल्स यूज नहीं करते, और स्पेशली शलवार कमीज में देखा जाए तो दोनों पीसेज के सेम कलर्स ही होते हैं। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा उसमें मेन जो आप टेक्निक कह लें या अपना स्टाइल शो करते हैं तो वो स्टिचिंग में शो करते हैं, उसमें मुख्तलिफ स्टिचिंग पैटर्न्स, जिस तरह आगे आपने कॉलर है, बैन है, फिर स्लीव्स हैं, उस पर आप थोड़ा सा काम करवा लें, हल्का फुल्का काम एम्ब्रॉयडरी करवा लें, इस टाइप की जो चीज़ें, और इस सीज़न में ये अच्छी चल सकती है। और कलर्स इस सीज़न में कौन से ज़्यादा? इस सीज़न में मोस्टली कलर्स आपको बताया जो शेड्स हैं, मिड टोन्स और ग्रेज जो कलर्स हैं ना, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोई भी कलर उठा लें और उसको उसमें से जो है ना आप मिड टोन उसके निकाल लें। अच्छा। जैसे आप ग्रीन कह रहे हैं तो लेकिन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रीन हो, पेसल ग्रीन भी ना हो। ठीक है, ठीक है, आप मिड टोन उसके निकालें और उसके साथ आप ग्रे देख लें और साथ आप ब्राउन देख लें। ठीक है,
तो मोस्टली बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स में जो है ना वो मेल्स पे वैसे भी सूट नहीं करते। ये बात मर्दों की तो खूबसूरती है यकीनन, मर्द कुछ भी पहन ले खूबसूरत लगेगा, कोई भी कलर पहन ले खूबसूरत लगेगा, लेकिन फिर भी जब हम ट्रेंड की बात करते हैं, मौसम जब चेंज होता है, जब किसी ने डिफरेंट इवेंट्स पे जाना है, तो बेचारे मर्दों को भी डिफरेंट कलर डिफरेंट डिज़ाइन वेयर करने के बिल्कुल उनका हक है और इजाज़त भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि खूबसूरत लगना सबका बुनियादी हक है। तो मज़ीद आगे चल के भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह मज़ीद लोगों को अवेयर कर सकते हैं और कैसे वो अपने आप को और खूबसूरत बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ, इस पर बात की जाएगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये ड्रेस डिज़ाइनिंग क्या है, पाकिस्तान में जो है इसका दायरा कार क्या है और किस तरह से लोग बदलते ट्रेंड के साथ खुद को भी बदल सकते हैं, अपना फैशन ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, और स्पेशली डिज़ाइनर्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी कितनी अहम जिम्मेदारी आती है कि वो आम पब्लिक को किस तरह से अवेयर करें और गाइड करें, इसी पे बात करें। दानियल, जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं या फिर जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ हैं, उनको किस तरह का जो डिज़ाइन है या कलर्स जो है वो फॉलो करने चाहिए? बेसिकली होता ये है कि ये एक तो डिज़ाइन और कलर जो हैं आपकी जॉब नेचर पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई रिसीविंग पर्सन हैं तो उसमें आपके जो कलर्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि आपका जो जिसको भी आपने कस्टमर को किसी को रिसीव करना है तो उसको बहुत ज़्यादा टीज ना करें, उसकी आंखों को देखने से अच्छे लगे। और इसको हम वही पैसल, हम कलर्स बार बार यूज़ कर रहे हैं वर्ड, तो इसमें वही जो आजकल के हिसाब से हैं वो पैसल कलर्स। काफ़ी आपका भी मार्केट में एक्सपीरियंस है क्योंकि आप तो मार्केट को ही आपने टारगेट किया तो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन मैं भी बहुत से ऐसे देखती हूँ जो लिंक में है जानने वाली हैं, ऑफिस जाती है कि हमने कौन सा टीवी पे आना है, बस उन्होंने एक ड्रेस पहनर ऑफिस आ जाना, ये नहीं देखना ऑफिस की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या है और उनकी जो वर्क नेचर क्या है, ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप परफेक्ट लगें, जरूरी नहीं कि स्क्रीन पे आने वाला बंदा ही परफेक्ट नजर आए। डेफिनेटली आप घर से निकल रहे हैं, आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी बूस्टअप करना है और सबसे पहले अगर आप खुद को अच्छे लग रहे होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो स्किल्स हैं, आपने किसी से बात करी है तो वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि आप खुद को जब बेहतर लग रहे होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेल ड्रेस्ड हों और जो आपने कलर पहना हुआ है, जो आपने ड्रेस वेयर किया हुआ है, उसका डिज़ाइन वो ऐसा हो कि जिसमें आप भी कम्फर्टेबल हों और अगला बंदा आपसे बात करने में भी कम्फर्टेबल हो। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी दिखती है, इसी तरह बोलते तो आप बाद में डिस्कशन तो आपकी बाद में शुरू होती है, लेकिन आप जब सामने वाले को दिखने वालों को आप खूबसूरत नहीं लग रहे तो वो आपसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझेगा या फिर उस तरह अच्छे मूड के साथ बात भी नहीं करेगा, इसी तरह। तो ये चीज़ें भी यकीनन मैटर करती हैं। शफकत, बात हम करें ड्रेस डिज़ाइनिंग की और पाकिस्तान के अंदर आप क्या इसका क्या रुझान देख रहे हैं, लोग इस फील्ड की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं? फील्ड में आप अगर डिज़ाइनर पूछ रही हैं तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान में अभी हर बंदा कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह से उसका कुछ बन जाए। तो और बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो दिल से काम कर इसकी तरफ आ रहे हैं, मोस्टली जो है ना वो प्रेशर की वजह से या फोर्सफुली वो आ रहे हैं कि बस ठीक है वो देखा देखी जो है ना भेड़ चाल के तहत आ जाते हैं लोग। और इसी की वजह से भी जैसे पहले भी हमारी बात हुई थी कि एजुकेशन नहीं है, सिर्फ बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो एजुकेट किए बगैर आप पहले पब्लिक में अवेयरनेस जो है ना वो नहीं देते कि आपने ट्रेंड्स क्या है, फैशन क्या है, और आप सिर्फ उनको एक अपना स्टफ़ जो है ना मार्केट में डाल देते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मली बस फिर आपका कंपटीशन भी और तरह का हो जाएगा नॉर्मल लोगों की तरह अगर, लेकिन आप पहले एजुकेट करते हो, आप प्रॉपर अवेयरनेस यूनिक करते हो, डिफरेंट करते हो। और मार्केट में आने का मकसद क्या है, कुछ डिफरेंट देना, जो चीज पहले चल रही है वही आप देंगे तो आई डोंट थिंक इतना। और जो कंज्यूमर है वो बेसिकली आपके साथ आपका एक टीम मेंबर होता है, आप हम लोग उसको सिर्फ क्लाइंट समझते हैं कि बस उसमें है, लेकिन वो हमारा एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, हमारे पास वैल्यू होती है और उन्हें वैल्यू चाहिए होती है, हमने एक दूसरे को वैल्यू शिफ्ट करनी है, वैल्यू ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और अगर देखा जाए पब्लिक की तरफ से तो पब्लिक जो है वो हमारी वैसे ही बहुत अर्ली अडॉप्टर टाइप की हमारी पब्लिक है, और देख लें कि हम ईस्टर्न कम्युनिटी के अंदर भी इधर हमारे अपना बड़ा रिच कल्चर है, जो हमारा जो रीजन है बेसिकली ओवरऑल ये
जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, इसमें ही बहुत ट्रेडिशनल ट्रेंड्स और फैशन के हिसाब से बड़ा एनरिच कल्चर है, बट इसके बावजूद हम ईस्टर्न कल्चर्स और बाकी और कंट्रीज़ के कल्चर्स को भी बड़ा इजीली अडॉप्ट कर लेते होते हैं। उसकी और भी बहुत सी रीजंस हैं, जैसे हमारी ओवरऑल नेशन ही एक अमलगम है बहुत सी और ट्रेडिशंस का। आप देख लें पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ अपने जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी डिफरेंट हैं। पंजाब में और ट्रेंड चलता है आपका फैशन का, आप सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, बिल्कुल डिफरेंट। तो बहुत से बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं कि जिनमें आपको इस तरह इतने डाइवर्सिटी नज़र आती है। और उसके पीछे एक कुदरत की तरफ से भी है कि आप हमारे पाकिस्तान में चार मौसम आते हैं और डिज़ाइनर्स के लिए बहुत अच्छा एक प्ले ग्राउंड है कि उसमें वो हर किस्म का स्टाफ, हर किस्म के कलर्स, हर किस्म का फैशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकता है। आप किसी और कंट्री में चले जाएं कि अब जो नए डिजाइनर मार्केट में आ रहे हैं वो कुछ यूनिक लेकर ना कि वही चीज जो पहले से मार्केट में है वही आप उसको रद्दो बदल थोड़ा सा करके आप अपना ब्रांड लॉन्च। ब्रांड बेसिकली आप बनते ही तब जब आप यूनिक चीज करते हैं, अदरवाइज आप फॉलोअर हैं, ट्रेंड सेटर फॉलोअर्स हो सकते हैं पर अभी ट्रेंड सेटर नहीं हो सकते। बिल्कुल दानियल, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, टीवी चैनल्स पे डिफरेंट कमर्शियल्स देखते हैं हमारी ख्वातीन, हमारी बच्चियां, इवन मर्द हजरात भी सोशल मीडिया पे जब कुछ नया देखती हैं उसी चीज़ को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्या इसमें आपकी पर्सनालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आपकी शख्सियत कुछ और है, जिसने जो सोशल मीडिया या टीवी पे जो कमर्शियल में आ रहे उसने जो ज़ेब तन किया हुआ है उसकी पर्सनालिटी कुछ और है, तो एक उस चीज़ को देख के उसे इम्प्रेस होके वही गेटअप अडॉप्ट करना क्या आपकी शख्सियत को मुतासर नहीं कर सकता? बिल्कुल, जैसे एक तो ये कि सोशल मीडिया जो है बड़ा इम्पेक्ट करता है आजकल हमारे ख्वातीन पे भी और मर्द हसरात पे भी। तो बिल्कुल अभी आपने एक बात की थी कि एक वो फीमेल जो एंकर हैं उनके हिसाब से ड्रेस अलग होगा क्योंकि उनकी जॉब रिक्वायरमेंट वो है, ठीक है, उन्होंने थोड़े से वाइब्रेंट कलर अगर पहनने हैं, लेकिन जो ऑफिस जा रही हैं या जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए कलर्स और होने चाहिए। तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, वही बात है कि हम लोग फॉलोअर्स हैं, हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स को या जिनको भी हम देख के उनके ड्रेस तो हम वियर कर लेते हैं उस टाइप के, लेकिन बेसिकली होता ये है कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट और है और उनकी जॉब रिक्वायरमेंट और है, तो उसमें शख्सियत भी डिफरेंट है। डेफिनेटली आपकी शख्सियत डिफरेंट है, आपके जो है जिस तरह अगर हम बात करें टेलर मेड प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, तो हो सकता है उनका ड्रेस उन पे ज्यादा सूटेबल और अच्छा लग रहा हो और आप पे वही ड्रेस अच्छा ना लगे क्योंकि उनकी टेलर मेड प्रोडक्ट है और वही आपको अपने हिसाब से अपनी बॉडी के हिसाब से उसको एडजस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि ट्राउजर्स खुले होते हैं तो कुछ लोग के ऊपर वो सूट नहीं करता और कुछ लोगों पे सूट करता, लेकिन आपने देखा होगा कि जिन लोगों पे सूट नहीं करते वो भी वेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रेंड है मार्केट में, सबने पहना होगा तो हमने भी ऐसे ऐसे कपड़े ही पहनने हैं इसी तरह। लेकिन वही बात है कि हमें कुछ यूनिक करना चाहिए और वो करना चाहिए जो आपके ऊपर अपनी बॉडी के हिसाब से आप पे सूट कर रहा हो। अच्छा, ऐसा कोई डिजाइन आप लोग मुतारिफ करवाते हैं क्योंकि डिजाइनर्स के पास में बड़े डिफरेंट आइडियाज होते हैं कि जैसे हम बात करें कि कुछ ड्रेसेस हैं, कुछ डिज़ाइन हैं जो सब पे अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों पे अच्छे लगते हैं, कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई ऐसा कलर, कोई ऐसा ट्रेंड जो सब पे अच्छा लगता हो? बिल्कुल, इसी तरह हमारा जो ब्रांड है रोसारी, बेसिकली हमने उसमें किया ही यही है कि बहुत मिनिमल डिज़ाइन के साथ। अच्छा। मिनिमल डिज़ाइन बेसिकली हम कहते हैं उसको है जिसमें हम बॉर्डर्स पे और नेक लाइन पे हम थोड़ा सा उसको एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। अच्छा। या कोई डिजिटल प्रिंट दे देते हैं और वो ऐसा होता है जो मैक्सिमम मतलब मेजॉरिटी जो फीमेल्स हैं उन पे सूट करेगा। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे डिज़ाइंस लेके आए क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर से भी मोटिवेट हैं वो लाजमी बात है आजकल होते हैं, होना भी चाहिए। मैंने बात की ना कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी कोई ऐसे पर्सनालिटी जिसको हम पसंद कर रहे हैं, उसने जो ड्रेस वेयर किया हुआ है, जो कलर, जो डिज़ाइन, वही हम बाय करने की कोशिश करते हैं। अब हम पे वो सूट करे ना करे लेकिन खरीदना जरूर है। इसी तरह तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा डिज़ाइन जो जिनको आप फॉलो कर रहे हैं अगर उन पे सूट कर रहा है तो वो आप पे भी सूट करे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मार्केट में ये ट्रेंड लेके आए कि जो एक कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है वो वियर करे तो आप भी वो इजीली वियर कर सके और बेशक आप अच्छा लगे, बेशक आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या ऑफिस में आपने जाना है तो वो आप इजीली वियर करके जा सके। इसमें मुझे ये बताइए, डिज़ाइनर जब आपके पास आते हैं कस्टमर्स ड्रेस कस्टमाइज करवाने के लिए, आप उन्हें गाइड करते हैं? अगर कोई आपके सामने सोशल मीडिया की पिक्चर रख दे मुझे इस तरह का ड्रेस सिलाई करवाना है, अब वो ड्रेस उसकी शख्सियत के अकॉर्डिंग ना हो तो आप उसे गाइड करते हैं, मान जाते हैं? कस्टमर को मनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, हम कोशिश करते हैं। वो माइंड बना के आता है।
डेफिनेटली वो घर से चला होता है और उसके पीछे उसकी वर्किंग होती है, दो दिन तीन दिन चार दिन या इवन इससे भी ज्यादा वर्किंग होती है, तो उसने एक माइंड सेट बनाया हुआ होता है और उसके वो माइंड में ना चीज पक्की हो चुकी होती है, स्ट्रांगली उसके माइंड में बैठी हुई होती है। तो उसको अगर हम कहते भी हैं कि इसको आप थोड़ा सा चेंज करें या कलर चेंज करें तो वो कहते नहीं, वही जो मैं पिक्चर लेके आया हूँ। तो ये काम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम फ्रेंड को थोड़ा सा चेंज करें या जो वो सोच के आया है उसको चेंज करें, लेकिन कोशिश की जा सकती है और सब जो भी डिजाइनर्स हैं या जो भी ये इस काम में है उनको चाहिए कि वो कस्टमर्स को गाइड करें। बिल्कुल, ये कस्टमर्स को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि भाई अगर डिज़ाइनर आपको गाइड कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी को देख कर जो है वो गाइड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मजीद मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन हम खुद को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं, खुद को मज़ीद खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, महफिल की रौनक बनना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो अपना लिबास है उस पर हम फोकस करें, जिस महफिल की तरफ जा रहे हैं उस महफिल के अकॉर्डिंग जो है वो हम ड्रेस वेयर करें। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा मेकओवर के हवाले से, कि ड्रेस तो आप ड्रेस के वजह से तो आप बड़ा अवेयर हो चुके हैं, आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका मेकओवर जो है वो किस तरह से होना चाहिए ताकि आप आपके ड्रेस को और आपके आपका मेकओवर परफेक्ट होगा तो आप महफिल की जान रौनक यकीनन बन सकते हैं, लोग आपकी कंपनी को पसंद कर सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं मेकअप। मेकअप के बगैर तो यकीनन ख्वातीन घर से बाहर निकले पॉसिबल ही नहीं है। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि ख्वातीन ने मार्केट में कुछ ख़रीदने भी जाना हो ना, हल्की सी ख़रीदारी करने, तो भी वो मेकअप करके जाती हैं, अपने आप को ज़रा बना संवार के जो है वो घर से बाहर निकलती है। भाई करना भी चाहिए, खूबसूरत लगना सबका हक है। अब जिसमें आप ख़ुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, तो यकीनन आप उस अंदाज में रहें। लेकिन जब हम मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप के साथ आपने ख़ुद का ख्याल भी रखना है, आपने इवेंट के अकॉर्डिंग मेकअप करना है। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस गोइंग लेडी हैं, तो आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसके मुताबिक मेकअप का होना ज़रूरी है। बात करते हैं यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों की, तो यकीनन यूनिवर्सिटी के मुताबिक उनका मेकअप होना ज़रूरी है, कि ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो बहुत ज़्यादा आपने मेकअप कर दिया तो यकीनन आप ओवर लगेंगी एज से ज़्यादा, यानी कि आप बड़ी बड़ी दिखेंगी। और जब ख्वातीन की बात करें वो तो अपनी एज छुपाती है, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगी कि वो अपनी एज से ज़्यादा लगें। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि ये मेकअप से किस तरह से हम ख़ुद को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, या मेकअप से अगर हम अवेयर नहीं हैं प्रॉपर, अपनी जॉब के अकॉर्डिंग हम मेकअप नहीं कर रहे, तो इससे हमारी पूरी शख्सियत पूरी पर्सनालिटी कैसे मुतासर हो सकती है। क्योंकि जब आप थोड़ी सी भी, वो कहते हैं ना 19-20 का भी फ़र्क पड़ जाता है, तो आपकी पूरी शख्सियत जो है वो चेंज हो जाती है, आपकी पूरी पर्सनालिटी या तो बहुत अच्छी लगेगी या बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो इस वक्त जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से हर इंसान को अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ उस पर सूट करती है, उसे मेकअप करना है या नहीं करना। छोटी बच्चियों की यहाँ पे बात करना चाहूँगी गेस्ट की जानी बढ़ने से पहले, कि बच्चियाँ क्या है कि अपने बड़ी बहनों को या अपने माँ को देखती हैं तो वो भी ख़ुद में ऐश्वर्या राय बनने की कोशिश कर रही होती हैं कि हम भी मेकअप करें और ख़ुद को खूबसूरत बनाएं, जबकि वो बेबी स्किन होती है। मुझे नहीं लगता कि उन बच्चियों को मेकअप की या कोई और स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो बच्चियों को आज खासकर अवेयर करेंगे जो टीनेज बच्चियाँ हैं, कि भैया आपकी कुदरती खूबसूरती है, अभी आप उस उम्र में नहीं पहुँचे, उस मकाम पर नहीं पहुँचे हैं कि आप ख़ुद को मेकअप करके आप बड़ा बड़ा दिखाना फिर हो। आपकी जो वो इनोसेंट फेस होता है ना, कि मासूमियत होती है, वो छुप जाती है, जो कि कुदरती होती है। तो कुदरती हुस्न के साथ खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप मेकअप के बगैर भी खूबसूरत लग सकते हैं। इंसान की ना अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, बाहर तो हुस्न वैसे जो है वो निखर के आ जाता है। तो आज की हमारी पहली मौजूद मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि उनका शुमार भी यंगस्टर्स में होता है, और जब यंगस्टर्स की बात करते हैं तो मैंने कहा कि मेकअप के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो जनाब आप
एक्टर हैं, सोशल मीडिया पे बहुत इन हमें दिखाई देती हैं। जैसे मैं उनका तारुफ करवाऊंगी, ये यकीनन आप समझ जाएंगे हाँ इनको हमने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा। मलाइका खान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम मलाइका। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मलाइका, सुबह सुबह उतना मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली जो एक्टर्स या इस तरह के सोशल मीडिया से लिंक करने वाले लोग होते हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह। मैंने रूटीन अपनी चेंज कर ली है, रात को 11 बजे सो जाती हूँ और मैं फजर टाइम उठ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ। और देखिए टाइम पे मैं पहुंच गई, ये सबसे अच्छी बात है कि टाइम पे पहुंची है। टाइम पे पहुंचना जरूरी भी है। मलाइका, मेकअप करने का शौक है? बहुत ज्यादा मेकअप करने का शौक है, लेकिन आज इतना नहीं किया। वो बस वो देखना पड़ता है ना कि कोई शादी तो नहीं, मॉर्निंग शो है। ये जानना जरूरी है, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसी कोई आपकी दोस्तें हैं जो, जिस तरह अभी मैंने बात की कि आपने मेकअप ज़्यादा नहीं किया हुआ, तो आपका जवाब आया कि कोई शादी ब्याह तो नहीं, मॉर्निंग शो, यानी कि आपको सॉफ्ट मेकअप रखना था। कोई ऐसी फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो? बस आजकल लड़कियों को ना जब तक रेड लिपस्टिक ना हो ना, और आंटीज को वो कहती हैं बस हमारा मेकअप इनकम्प्लीट है। अच्छा, हाँ, यानी कि सही वही बात जो मैंने इंट्रो में कही थी कि लाल पीले कलर्स जब तक नहीं होंगे हमें लगता है कि मेकअप मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन इनको ये नहीं पता आजकल ट्रेंडिंग में न्यूड लुक्स हैं, ठीक है, जितनी कम लिपस्टिक आप लगाएंगी उतनी आपकी एज कम लगेगी, और आपको अपनी एज छुपाने की जरूरत भी नहीं है किसी से। सबसे अच्छी बात भी आप अपनी एज सही बता सकेंगे। हाँ, जो कि खवातीन नहीं बताती है। सबसे बड़ा इशू वजह कि वो ज़्यादा मेकअप कर करके उन्होंने अपने आप को इस तरह से वो दिखा लिया होता है कि लगता है कि ये 30-35 साल की आंटी होगी। हाँ जी, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा वाकया स्टार्ट में याद हो, आपने फर्स्ट टाइम मेकअप किया हो और घर वाले बड़े हंसे हो या फ्रेंड्स? घर वाले बड़े हंसे, मतलब अभी की बात तो, और अब तो प्रैक्टिस हो गई है क्योंकि डेली बेसिस पे मेकअप करना होता है। तो जब छोटी थी तो तब इतना पता नहीं था, बस ये था कि हर टाइम मेकअप करके ना हर 2 मिनट बाद मुंह धो के फिर अम्मी को दिखाती थी, तो मेरी बहुत इंसल्ट होती थी। और उस टाइम मेकअप भी नहीं आता था। अच्छा, जब आप फील्ड में जाते हैं, आप एक्टिंग फील्ड की बात कर लें या सोशल मीडिया पे, चूँकि आप लोगों को इन रहना पड़ता है, तो वहाँ पर हमेशा मेकअप करके या डिफरेंट गेटअप करना मुश्किल नहीं होता? आपको बताती हूँ, जब मैं शोबिज में आई थी ना, तो हमारे जो सर है ना, उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी, मुझसे पूछते हैं शोबिज का मतलब क्या है, तो मुझे उस टाइम इतना समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं शोबिज मींस जो चीज़ आप शो कराएंगे, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप अपना नहीं ख्याल रखेंगे, मेकअप का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप आगे कैसे जाएंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। यानी अपने आप को आपने ग्रूम रखना है, अब सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है। इस वक्त हम देखते हैं जो फील्ड में बच्चियां आ रही हैं, जो शोबिज में इन हो रही हैं, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ बिल्कुल उनका ख्याल नहीं है। आप उनकी ड्रेसिंग देखें, उनका मेकओवर, उनकी स्टाइलिंग देखें, बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि मैं अगर बात करूँ, सोशल मीडिया का दौर है जिसमें तो अवेयरनेस और ज़्यादा हो सकती है, तो इसके बावजूद हमारी आज की जो बच्चियाँ इस फील्ड में आ रही हैं, शोबिज की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, तो अपने आप को ग्रूम क्यों नहीं कर पा रहे, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल क्यों नहीं रखती हैं? वो इस वजह से कर नहीं रही। मैं आपको सच बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, हमारे इस्लामाबाद में लोगों के पास इतना बजट ही नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट हायर करें। बजट नहीं, तो सेल्फ ग्रूमिंग बंदा सीख लेता है, मतलब कुछ है। अब कराची लाहौर में आप देखेंगे ना, अगर उनका छोटा सा भी इवेंट होगा ना, तो वो अपनी न्यू ड्रेसिंग, ठीक है, हर एक चीज़ न्यू, और यहाँ इस्लामाबाद वाले एक ही मेकअप आर्टिस्ट और बस वही मॉडल और बुला लेते हैं। यहाँ पे वो काम भी नहीं है, लड़कियाँ क्या खुद को ग्रूम करें? कैपिटल है मेरे ख्याल से, यहाँ लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए थी। हाँ, बट लाहौर और कराची की टाइम, नो डाउट उसकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, ग्रूम्ड है, उन्हें पता है इवन कोई भी नई बच्ची आती है तो सबसे पहले उनकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, होती है। क्या आपने कैसा ड्रेस कैरी करना है, किस तरह का आपका मेकओवर होना चाहिए, आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो आपका गेटअप कैसा होना चाहिए, लोग सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग को ही जज करते हैं। बोलते तो बाद में, आपकी पर्सनालिटी दिख रही है ना कि मेरे सामने मलाइका आके बैठी है, इसने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, मेकओवर कैसा किया हुआ है, बात तो बाद में होगी। जी जी, तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं लोग इस पे तवज्जो दे रहे, जबकि कैपिटल है, यहाँ तो ज्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। बस हर एक की अपनी अपनी सोच है, मतलब लड़कियों को करना चाहिए मेरे ख्याल में, अपनी आप तवज्जो नहीं करेंगी तो लोग आपको फिर पसंद कैसे करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो। जबकि हम ख्वातीन की जब बात करते हैं, कहते हैं ये तो अपना अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती हैं, अपनी केयर ज़्यादा करती हैं, कुछ भी हो जाए सबसे पहले इनकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, तो आई थिंक आपको खुद से मोहब्बत नहीं है। सबसे ज़्यादा स्किन केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है, सेकेंड आपका मेकअप, और थर्ड आपकी ड्रेसिंग, ये तीन चीज़ें तो मस्ट है। सही, स्किन केयर की आपने बात की है, जब आप टीन एज में, आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, बेबी स्किन है,
अब बहुत ज़्यादा अगर उस पर मेकअप कर लो तो आपको क्या लगता है, स्किन ख़राब हो सकती है बच्चों? बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, स्पेशली मस्कारा से तो आई लैशेज गिरना शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाने से। हाँ, और ये आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ आप देखें बहुत ज़्यादा जो है मस्कारा छोड़े वो जो फेक आई लैशेज लगवा रही हैं आजकल। हाँ तो उससे तो अपनी भी लैशेज गिर जाती हैं। अच्छा, एक तो फेक आई लैशेज के आपने बात की, पूरा मेकअप फेक आ चुका है, आपने देखा है वो किस तरह वो डिफरेंट प्रोडक्ट के थ्रू डिफरेंट जो आलाज आ चुके हैं, मशीन आ चुके हैं उसके थ्रू परमानेंट मेकअप की जो बात हो रही है, परमानेंट लिपस्टिक और आईब्रोज और पूरा फेस का, पूरा फेस एग्जैक्टली आपकी पूरी फाउंडेशन पूरी बेस जो है वो परमानेंट बना रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्सपेंसिव भी तो उतना ही होगा ना, फिर हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इस वक्त जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है लोग अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो आई लैशेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप किसी को भी देखें, मेकअप से ज़्यादा सबकी लैशेज होंगी और कुछ हो ना हो। लैशेज इंसान की बड़ी हों तो वैसे खूबसूरती आ जाती है, लेकिन अगर मेरे ख्याल से आप कुदरती हुस्न से रहेंगे जो अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत बनाया उसी पे अगर आप उसी को मेंटेन रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो लोगों में सफ़ेद होने का बड़ा रुझान है या तो मेकअप करवाती हैं तो अपने स्किन टोन से ज़्यादा उस पर चली जाती हैं, इसका जो है वो इस पर बात करते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा, या अगर जब हम देखते हैं कि बच्चियों को इस वक्त अपने स्किन टोन से हट के जो बहुत वाइट होने का शौक है या अगर वो मेकअप करती हैं तो स्किन टोन से ज़्यादा ब्राइट खुद को दिखाने की कोशिश करती हैं, तो यकीन ये भी उनकी पर्सनालिटी को ख़राब कर सकता है, स्किन इफेक्ट हो सकती है, प्रॉपर केयर नहीं होती है। इस पर भी आगे चल के बात करते हैं कि जहाँ हम खूबसूरत बनाते हैं उस खूबसूरती के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, वो क्या है और कैसे उनसे बचा जाए ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं मेकअप। मेकअप देखें, जब मेकअप की बात करते हैं तो फ़ौरन से माइंड में ख़वातीन का जो है वो एक ख्याल आता है कि मेकअप का और ख़वातीन का तो बड़ा गहरा आपस में ताल्लुक़ है, और मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेस पे अगर कहीं ना कहीं एक उदासी है उसे भी छुपा सकता है, जो आपका फेस मुरझा जाता है उसको भी छुपा सकता है आपको, यानी कि खूबसूरत बना सकता है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है। सिर्फ ख़ुद को खूबसूरत नहीं दिखाना, उस खूबसूरती के विषय के नुकसान को भी आपने देखना है ताकि उससे आप खुद को बचा सके। तो किस तरह, कौन से नुकसान हो सकते हैं, कैसे खुद को उससे बचा सकते हैं, क्योंकि मेकओवर, अगर मेकओवर की बात करूँ और आप ख़वातीन को इवन आजकल मर्द हजरात को भी कहें कि आपने मेकअप नहीं करना, विदाउट मेकअप आपने किसी फंक्शन को अटेंड करना, तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ज़रूरी लाजमन हो चुका है मेकअप करना। तो इसके नुकसान से बचना और कौन से नुकसान हो सकते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, और हमारी अगली मौजूद मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप ब्यूटी एक्सपर्ट हैं जी, हुमा वकार हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम महवेश, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, बड़ा फ्रेश कूल कलर बना हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू हुमा। हम मेकअप की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये तो मेकअप का जिक्र आते ही ख़वातीन का एक वो ख्याल हमारे माइंड में आ जाता है, लेकिन अब तो मर्द हजरात भी पीछे नहीं है, तो ये हद से ज़्यादा मेकअप करते रहना और इसकी अपनी प्रॉपर स्किन केयर ना करना, इस चीज़ कैसे, स्किन इफेक्ट कैसे हो सकती है? देखिए, किसी महवेश किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो आपको पता है वो नुकसानदेह होती है। यस, चाहे वो कोई भी चीज़ हो तो, लेकिन मेकअप के बगैर गुजारा भी नहीं है। नहीं, वही बात है ना कि मैं अगर कहूँ कि आपने बिना मेकअप के जाना है, कोई नहीं जाएगा इस तो, शो में भी हम नहीं बैठेंगे मेकअप के बगैर, क्योंकि दुनिया अब आपको पता है ग्लैमर बस और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप चीज़ को यूज़ करें बट आप उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है उनको भी अपने जहन में रखें। यस, कि हम अगर एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद उसकी क्या केयर होनी चाहिए। अब जैसे हम अपनी स्किन को यूज़ कर रहे हैं मेकअप के लिए, तो जब आप किसी को यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि उसकी जो भी अच्छी से अच्छी केयर है वो आप कर सकें। बिल्कुल ज़रूरी है, उसके लिए जो भी आप अच्छी प्रोडक्ट है वो यूज़ कर सकें, उसका प्रॉपर वे जो है आपका, लाइक आपकी वे ऑफ क्लेंजिंग फेस की और टोनिंग है, ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद, अपनी स्किन को इस्तेमाल करने के बाद उसको कैसे रिपेयर करें। एक एक ये चीज़ होती है कि जब हम रात को सोते हैं हमारी जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है, अगर आप नींद पूरी नहीं करते अपनी तो आपके स्किन पेल होना, मतलब डलनेस, ये चीज़ें, ये चीज़ें फिर मेकअप नहीं छुपाएगा। जी हाँ, तो
तो ये सब चीज़ें जो है ना फ्रेशनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। केयर के साथ आपको ये चीज़ों का भी ध्यान रखना अच्छा, चाहिए। कुछ लोग ऐसे जो मेकअप करते हैं लेकिन प्रॉपर क्लींजिंग नहीं करते या बस ऐसे मेकअप को डायरेक्ट वो वॉश करते हैं, यानी कि फेस पे साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी स्किन खराब हो सकती है। देखिए इस पे क्या होता है, आपको आपको किसी भी चीज़ को डीप क्लीन करने के लिए उसकी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी मेकअप रिमूव करें तो मेकअप रिमूवर से ही करें। अच्छा। क्योंकि उसका टेक्सचर इतना थिन होता है कि वो आपके पोर्स को अंदर से जाके क्लीन करता है। Exactly. तो वो उसका रिमूवर अगर डायरेक्ट आप सोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन नीट नहीं होगी, उस तरह से हमें फील होता है कि हमारा फेस वॉश हो गया, बट वो डीप क्लीन नहीं होता, पोर्स में रह जाता है, पोर्स में रह जाता है नुकसान। जी हाँ, क्योंकि जब आपकी कोई चीज पोर्स में रह जाती है और जब आप रात को सोते हैं तो वो जो रीजनरेटिंग हो रही होती है सेल्स की, वो उस तरह से प्रॉपर नहीं होती। हाँ, यानी कि वो कहते हैं स्किन को, इस फेस को भी ऑक्सीजन की, स्किन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते। और अच्छा, जो मेकअप करने के बाद ये धूप में निकल जाना, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ ये जो हम डिफरेंट फेशियल्स लेते हैं, फेशियल के बाद फ़ौरन से मेकअप ओवर करवा के हम निकल जाते हैं फील्ड वर्क के लिए, इससे स्किन कैसे ख़राब हो सकती है? देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी आपको पता है हमारा जो टेम्परेचर है जनरली पाकिस्तान का क्या चलता है, 10 महीने हमारी गर्मी रहती है, ऑफ कोर्स सन एक्सपोयर आपको हमारा पता के मौसम क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका सन ब्लॉक है। यस, जो अच्छा अच्छी प्रोडक्ट हो, अच्छा ब्रांड हो, जो प्रॉपरली वर्क करे। अच्छा, सन ब्लॉक की आपने बात की, ये भी ज़रूर गाइड करें कि जितना गर्म हमारा मौसम होता है और जिस तरह हम 8-8, 10-10 घंटे हम बाहर रहते हैं, तो लगता है ख्वातीन को या मर्द जात को एक दफ़ा हमने घर से निकलते हुए हमने सनब्लॉक का यूज़ कर लिया, अब पूरा दिन हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा आई थिंक सो नहीं होता। अच्छा जी, मतलब मेरे हिसाब में आपको कम अज़ कम इसको रिपीट करना चाहिए 3-4 आवर्स के बाद रिपीट करना चाहिए। इवन हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जो हमारी स्टूडियो लाइट्स, इवन घरों में जो लाइट, जो हम किचन में जाते हैं उस हीट से भी हमारी स्किन खराब होती है, तो हमें तब भी अगर हम घर में हैं तो भी हमें सनब्लॉक का यूज करना चाहिए। ऐसी जो खातिन घर में बैठी है वो ये समझती है कि हम बाहर नहीं जा रहे, हाँ तो हमारी स्किन तो बिल्कुल महफूज है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो आप किचन में जाती हैं तो जो उसकी हीट है फ्लेम की, वो सेम एज आपको करती है कि आपको उसके लिए प्रोटेक्शन की जरूरत ज़रूर होती है। सही। अच्छा मलाइका, आपकी तरफ आते हैं, मेकअप की हम बात करें, जब आप फील्ड वर्क में होती हैं तो वहाँ पे मेकअप का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, फिर धूप छांव गर्मी में आपको काम करना होता है, तो आप स्किन की केयर कैसे करती हैं? मैं बस सिर्फ फेस वॉश और अच्छा क्लेंजर यूज़ कर लेती हूँ, ज़्यादा मैंने कभी स्किन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, ना मैंने कभी फेशियल किया फेस का, कभी भी नहीं फेशियल यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती, बस अच्छा फेस वॉश और अच्छा क्लींजर। अच्छा, ये हुमा से हम जान लेते हैं, हुमा इन्होंने कहा ये कभी भी फेशियल नहीं करवाती हैं, लेकिन इनका फील्ड वर्क है मेकअप का इस्तेमाल, तो इनकी स्किन सेंसिटिव है। इसी तरह और जो नाज़रीन देखने वाले उनकी स्किन जो है सेंसिटिव है, कभी फेशियल ना लेना, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि क्लींजिंग का इस्तेमाल करती हैं, अच्छा फेस वॉश, अच्छे क्लींजर का इस्तेमाल करती हैं, तो इससे हम स्किन महफूज रख सकते हैं, यानी कभी फेशियल ना लें लेकिन ये दो प्रोडक्ट यूज़ करते रहें? बिल्कुल ऐसी है। देखिए हर स्किन ये वेरी करता है स्किन टू स्किन, हाँ ठीक है, एक आपको गॉड गिफ्टेड है, अगर अल्लाह ने आपको हेल्दी स्किन दी हुई है और आप थोड़ी सी भी केयर कर रहे हैं तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे रही है। अब जैसे माशाल्लाह इनकी स्किन है अच्छी, हेल्दी स्किन है, और अच्छा, सालों से इनको जानते हैं इनकी स्किन ऐसी है। जी, तो ये इनको गॉड गिफ्टेड है ना, अगर ये केयर भी नहीं करती तो ये गॉड गिफ्टेड है, क्या बात है। तो फिर अब इससे नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जो अल्लाह ने गिफ्ट हमें दे दिया वो हमने कितना हम उसको लॉन्ग लास्ट कर सकते हैं, उसको कितना प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर ये जैसे अगर ये समझती है कि मैं क्लेंजिंग और जस्ट फेस वॉश से मेरा काम चल रहा है, तो जब तक चल रहा है तब तक चला चलना चाहिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, अकॉर्डिंग एज आपको मॉइस्चर है, आपका प्रॉपरली डीप क्लेंजिंग है, तो ये चीज़ों की आपको जरूरत पड़ जाती होती है। हम लोग एक्चुअली उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बेसिकली बात ये होती है। अच्छा, हमें जब तक हमारी स्किन ठीक है हम कहते हैं हाँ ठीक है बस गुजारा चल रहा है, जब वो खराब हम कर लेंगे, डैमेज हो जाएगी, इशू तब होता है क्योंकि वो रिपेयर होने में वक्त लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम अपनी एज मतलब के अर्ली एज से अपनी स्किन की केयर शुरू कर दें तो आप अपने एज से 10 ईयर्स छोटे नजर आ सकते हैं मिनिमम।
जी हाँ। तो इसलिए केयर, जब देखिए जब भी आप किसी चीज़ की केयर करेंगे ऑफ कोर्स कि वो आपको अपना रिजल्ट देगा, तो अगर आप स्किन की केयर कर रहे हैं तो यकीनन वो आपको आपके साथ चलेगी और आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। केयर जरूरी है, केयर बहुत जरूरी है। केयर करेंगे तो आपको बस ये होता है कि स्किन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन क्या है, स्किन नॉलेज जरूर होनी चाहिए, उसको कैसे नीट करना है, उसको कैसे मॉइस्चर करना है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो टोनिंग है, स्किन टोनिंग जो है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जब आप बाहर जाते हैं और आपका बॉडी हीटअप होती है, फेस हीटअप होता है, तो आपके पोर्स ओपन होते ही होते हैं। तो जब टोनिंग आप करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपके पोर्स वापस जो है क्लोज हो जाते हैं किसी हद तक। अच्छा, तो ये टोनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ये क्लेंजर करिए, जब आप क्लेंज करते हैं तो आपके पोर्स फिर ओपन होते हैं। अच्छा, क्लेंजिंग करने से पोर्स ओपन हो जाते हैं। जी हाँ, तो उसके बाद टोनिंग बहुत ज़रूरी है। सही, इस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं कि हम हमें लगता है कि अच्छा फेस वॉश का इस्तेमाल या क्लींजिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ उसके और भी कुछ आपको फेस को नीट करने की, उसको जो है वो मज़ीद सिक्योर करने के लिए अपनी स्किन को, ताकि और ज़्यादा इसके डैमेज होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, वो क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं आज मेकअप पे और किस तरह से मेकअप का इस्तेमाल करते हुए हम जो इसके नुकसान हैं उससे बच सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मेकअप यकीनन हमारी ज़रूरत बन चुका है या हमने इसको अपनी ज़रूरत बना लिया हुआ है, क्योंकि जो कुदरती खूबसूरती है, जो कुदरत ने आपको हुस्न दिया है, जब उसका ख्याल नहीं रखते, जब उसकी हिफाजत नहीं करते, उसको मैनेज नहीं कर पाते, तो यकीनन मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। और मेकअप के सहारे के साथ भी अगर हम केयर नहीं करेंगे, कोई जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो हदायत होती हैं जिससे आप अपनी स्किन को महफूज रख सकते हैं, अगर वो चीज़ें ड्रॉप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मज़ीद नुकसान को हमें फेस करना पड़ सकता है। उसी पे बात कर रहे हैं। हुमा, मुझे ये बताएं, मार्केट में फार्मूला क्रीम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे डिफरेंट फेशियल्स हैं उसमें भी इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इंस्टेंट वाइट करने वाली जो चीज़ें हैं, इससे हमारी स्किन कैसे डैमेज हो सकती है, और अगर ये इस्तेमाल करना ही है तो कोई इसकी एहतियाती तदाबीर, ताकि स्किन के ऊपर इसके कोई नेगेटिव असरात ना आए। देखिए महविश, अब हम किसी भी काम को उसके रिक्वायर्ड टाइम से पहले करने की कोशिश करेंगे ना, तो ऑफ कोर्स डैमेजिंग होगा फिर। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला क्रीम्स है, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेराइड हैं, और उसके बाद पता नहीं कौन कौन से ऐसे एजेंट, लाइक ब्लीचिंग एजेंट आई थिंक सो, कि वो यूज़ करते हैं, कि जो आपकी जो प्रोटेक्शन लेयर अल्लाह ने आपको दी है वो उसको डैमेज करता है। जब हो जाती है जी हाँ, जब आपकी प्रोटेक्शन लेयर डैमेज होती है, तो आपकी जो नीचे बेबी स्किन है ना, वो बाहर आ जाती है। अच्छा, ठीक है। अब बेबी स्किन जब आपकी बाहर आती है, तो आप सोचें कि किसी भी बेबी को हम कितनी हीट दे सकते हैं। बिल्कुल, कितना हम एक छोटा बच्चा है, बेबी स्किन है, कितनी उसकी केयर करते हैं, केयर करते हैं, तो वो उसको जब उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं धूप में, आप जाते हैं किचन में, तो वो हीट आपको और ज़्यादा बर्न कर देती है स्किन को। तो वो वाइटनिंग होने के बजाय वो आप ब्लैमिशेस की सूरत में आपको रिजल्ट जो है ना, वो लाइक आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितने जिसकी स्किन के अकॉर्डिंग है, वो आपको ब्लैमिशेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और वो बेसिकली स्किन बर्न होता है। मेरे पास अक्सर सलोन में लोग आते हैं, तो उनकी एज भी नहीं होती और उनके फेस पे इतने ब्लैमिशेस हैं, तो मैं फ़ौरन से ये बात जज करती हूँ कि इन्होंने इंस्टेंट वाइट होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ये जो है ना रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो ये हुआ, ये इंस्टेंट वाइट होना या फिर वाइट होने के ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये क्यों पाया जा रहा है ज़्यादा? जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो देखिए, वो जो हमारी इस वक्त जो स्किन टोन है उसको कितना पसंद किया जाता है, लेकिन हम जो है वो गोरा होने के पीछे लगे हुए। बिल्कुल ऐसे ही, कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है ना बेसिकली। तो इसलिए
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये अवेयरनेस देना ज़रूरी है। आपको जाहिर बात है आप इतने अच्छे उस पर सेटअप पे काम कर रही हैं, ताकि आप ये अवेयरनेस दें कि प्लीज़ शॉर्टकट ना यूज़ करें। हाँ बिल्कुल ऐसे। आप हेल्दी डाइट लें, yes. अपनी फुल स्लीप लें, वाटर इनटेक, यस, ये चीज़ें आपको मतलब गोरा होने से ज़्यादा अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी ना, हाँ, तो वो आपकी अगर व्हाइटिश स्किन भी टोन है तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। हुमा देखो अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया, ऐसे ही है, ऐसे अगर है। आप उसी खूबसूरती को उसी कलर को आप मेनटेन कर लें तो आपसे खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप कुदरत के साथ छेड़खानी करेंगे, आप आपकी जो स्किन टोन है उसे बढ़ के अगर आप कुछ चाहेंगे तो उसके साइड इफेक्ट का भी फिर इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इनके लिए जरूरी है कि अगर किसी वजह से आपको यूज करना पड़ ही जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं हर एक के साथ, जी हाँ, तो उसके लिए अगर आपको यूज़ कर ही करना ही पड़े तो आप लाइक आप जब सुबह उठें, अगर शाम में आप लगा रहे हैं तो सुबह उठें तो उसमें प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छी डीप प्रोटेक्शन लाइक सन ब्लॉक है, अच्छा। या इस तरह की आप धूप में या किसी हीट में ना जाएं, तो ये केयर बहुत ज़रूरी होगी जब सही। तक उनको ये अगर वो यूज़ करना ही चाहती हैं तो ठीक, उसके साथ एहतियात करना भी बड़ा ज़रूरी है। मलाइका मुझे ये बताएं, जब आप फील्ड में होती हैं, आपको डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल वो कर रही होती हैं, तो क्या उस पर कभी तवज्जो दी कि ये स्किन को डैमेज कर सकती है? क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हैं या कोई इसका डुप्लीकेट हो सकता है, कॉपीज हो सकती हैं, तो वहाँ स्किन की प्रोडक्शन को कैसे आप मेंटेन करते हैं? मेरा सम टाइम ऐसे होता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट को बोलती हूँ मेरी जो प्रोडक्ट है वो आप यूज़ कर लें। अच्छा, अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाना, कई बार मैंने ऐसा बोला। अच्छी बात है। हाँ, और सेकंड ये कि जो मेकअप स्पॉन्ज होता है, हाँ, जिससे हम लोग बेस सेट, हाँ, करते हैं जो भी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं वही जो सब पे यूज़ हो रहा है वही मेरे पे हो, तो वो भी मैं अपने साथ रखती हूँ। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर इनका आप वाकई ख्याल रखो तो आप अपनी स्किन को महफूज रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है मलाइका, हाँ, कि जो पिंपल का जो सबसे मेन है ना, उसकी रीज़न यही है, अच्छा, कि जब आप एक दूसरे का स्पंजेस यूज़ करते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा किया है, हाँ, कि प्रोडक्ट तो ठीक है इनकी अपनी वो है, लेकिन ये कि स्पंज का बहुत ज़रूर बहुत वाकई बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप एक दूसरे के यूज़ ना करें। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि कभी भी एक स्किन से दूसरी स्किन पे चीज़ को ना लेके जाए। yes, बिल्कुल एक्ने हो सकती है या ऑलरेडी उसका फेस डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, मतलब कितने टाइम के लिए कम से कम जो है वो आप लोगों के फेस में मेकअप रहता है? चाहे जितने भी टाइम के लिए मेकअप हो, लेकिन ये है कि सोने से पहले ज़रूर रिमूव करना चाहिए। स्टार्टिंग में मैं ऐसे करती थी। आपकी फील्ड ऐसी है, फील्ड वर्क ऐसा है कि अक्सर थक जाते हैं और बस बिना रिमूव किए मेकअप सो जाना। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब आप अपना फेस वॉश करके सोते हैं एक तो नींद बहुत अच्छी आती है और फ्रेश फील करते हैं। ठीक, अच्छा पैगाम आप क्या दोगी स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो नई इस फील्ड में आ रही हैं लेकिन सेल्फ ग्रूमिंग नहीं है, उन्हें क्या पैगाम दोगे? सेल्फ ग्रूमिंग नहीं है, सबसे पहले तो मैं उनके पेरेंट्स को बोलूंगी कि इनको इतनी परमिशन दें इनको इतनी परमिशन दें कि वो अपने लिए कुछ कर सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कों को ज़्यादा बोला जाता है कि हमारा बेटा ये करेगा, बेटी भी तवज्जो ही नहीं होती उनकी। आपकी बेटियां आपके बेटों से बढ़कर हैं। क्या बात, बहुत बहुत गहरा, बहुत बड़ा मैसेज, थैंक यू सो मच मलाइका। हुमा, आप क्या पैगाम देंगी हमारी नाज़रीन को? सबसे ज़्यादा तो स्पेशल ये है कि जो अभी आने वाला वेदर है जी, उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर लें, yes, ताकि हमें दोबारा इस टॉपिक पे वो ज़्यादा इंसिस्ट ना करना पड़ेगा, वो कहेंगे कि हमें केयर ही करने के लिए कहते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग अपनी पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी साथ एक तो कैरी करें, सही, और उसका यूज़ जो है वो प्रॉपरली ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हुमा, आपका आपने वक्त दिया, मलाइका आपका बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन हम मेकअप की बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है अपनी केयर करें, मौसम चेंज हो रहा है तो यकीनन अभी से तैयारी कर लें क्योंकि आगे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है और हमारा जो एक ना धूप में बैठने का एक शौक बढ़ जाता है जो कि हमें पता नहीं चल रहा था, हमारी स्किन डैमेज हो रही है। गर्मी सर्दियों में बहुत कम हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं कि अब तो ठंड है, अब तो इतना सूरज का वो नहीं है नुकसान, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो शायद
हमें इसी विंटर में देखने को मिलता है। तो अभी से अपनी स्किन की केयर करना शुरू करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी गेस्ट ने भी कही कि आप अपनी डाइट को मेंटेन करें। अगर आपकी डाइट हेल्दी होगी तो आपको इन प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुदरती हुस्न को मेंटेन करने की कोशिश रहें और कोशिश करें खुश रहें। ये जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ये जो खाम खां का एक खासा जालसी में आप जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उससे दूर हो जाएँ, अपने इखलाक अच्छा कर लें, इंटरनली खुश हो जाएँ, तो ये देखिएगा फेस पे खुद ब खुद ही खूबसूरती आ जाएगी। इसी पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।